हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि आप ना हमारे साथ अपना किचन क्लीनिंग शेयर कीजिए। और काफ़ी दिन से मैं भी सोच रही थी कि मैं अपना किचन क्लीनिंग करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा किचन की क्लीनिंग करने वाली हुई है, तो उसको मैं अब क्लीन करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको पसंद आएगी मेरी किचन क्लीनिंग। और उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ किचन में, और किचन में ना आज मैं पूरा अपना जो किचन है उसको ना धो डालूँगी मैं। मुझे बहुत पसंद है किचन क्लीनिंग करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अभी मैं उसको ना क्लीन करूँगी और धो डालूँगी एकदम से, देखना। तो चलते हैं हम किचन में। वो मेरी किचन की क्या कंडीशन है, और ये है कंडीशन की, ये ना दीवार ख़राब हो गई है, बहुत पता नहीं कैसे हो गई है दीवार ख़राब। और ये है, मैं अब इसको ना पूरा एकदम से क्लीन कर दूंगी। और जो बर्तन है, अभी वो चाय पी थी, क्योंकि काम वाले हमारे घर में लगे हुए हैं, हमारे जो खेत है ना उसको क्लीन करने में लगे हुए हैं, तो उसको चाय वगैरह बनानी पड़ती है, तो बार बार बर्तन जो है वो ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी मैं इसको वॉश करूँगी और आप को दिखाऊंगी मैं। पहले पूरा सामान मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं कढ़ी उठाकर रख रही थी, लंच में मैंने ना कढ़ी बनाई थी। तो ये वीडियो मेरी इवनिंग टाइम की है, क्योंकि दोपहर को बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसी वजह से मैं दोपहर को कुछ भी क्लीन नहीं करती हूँ। तो मैंने इवनिंग में तकरीबन 5 बजे मैंने स्टार्ट किया होगा, ये 1 घंटा मुझे, 1.5 घंटा लग गया मुझे क्लीनिंग करते हुए। तो यहाँ पर मैंने डब्बे वगैरह उठा कर रख रही थी, और मैंने यहाँ ना सिल्फ से ऊपर से ना जो कवर है ना उसको उठा लिया है मैंने, क्योंकि कवर में ना थोड़ा सा ऑयल चला गया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही चला गया था ऑयल, तो वो चिपचिप कर रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो, मैंने उसको निकाल दिया। तो मैं नेक्स्ट डे उसको ना वॉश करूँगी। तो उसके बाद यहाँ मैंने जाले जो हैं वो मैंने ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं जाले उतारूँगी, क्योंकि जाले जो हैं मेन वो रोज़ ही लगते हैं, चाहे आप रोज़ इसको निकालो, पर लेकिन ये ना है कि लगते ही रहते हैं, इनका यही प्रॉब्लम होता है। जितने जाले हम निकालेंगे उतना ही शाम को देखोगे ना आप, तो जाले आपको वहीं पे फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर जो है वो बाहर निकाल लिया यहाँ से। तो मैंने ना यहाँ पे गैस रख दिया है, और गैस मैंने इसीलिए यहाँ पे रख दिया क्योंकि मुझे पानी से वॉश करना है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको साइड पर रख दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइल्स में पहले पानी लगाऊंगी, और पानी डालने से ये होगा ना कि जितने की धूल मिट्टी है ना वो निकल जाएगी, और बाकी जो है मैं वो उसको निकाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको सबसे मिल सके, और ना नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर ना मैं सिल्फ पर जड़ रही थी ना, तो मैंने यहाँ पर ना कट कर दी है वीडियो वो, और मैं आज गिरने वाली थी बहुत ही बुरी तरह से, मेरा जो पैर है ना स्लिप होने वाला था, तो मैं बच गई, नहीं तो आज मुझे चोट लग जाती। तो यहाँ पे जाली जो है मैं उसको ना क्लीन कर रही हूँ, जाली को अच्छे से साफ करूँगी, और इसको ना मैं साबुन की मदद से और स्टील पुल की मदद से इसको ना साफ़ कर रही हूँ। बहुत ही मतलब कि ऑयल लग गया था इस पर, देखो आप देख सकते हो जी निकल रहा है ऑयल कितना। यहाँ पे ना सामने हमारे गैस है, गैस सिल्फ के नीचे गैस रखते हैं हम, तो उसी वजह से जहाँ जाली पे सारा ऑयल चिपक गया था उसको मैं निकाला था उसे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कि सामने दिखाई दे रहा होगा ना कितना ऑयल है, जो कितनी धूल मिट्टी है जो इसी जाली की ओर से निकली है। और यहाँ पे जो है मैं जाली दूसरी तरफ जाली को क्लीन कर रही हूँ, और मैं कैमरे की तरफ भी देख रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं वीडियो मेरी चल रही है कि नहीं चल रही है, और सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाए। एक दिन मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने वीडियो चलाया अपनी तरफ से, तो मैंने वीडियो लगा रखी थी कि मेरी वीडियो बन रही है, लेकिन वो वीडियो नहीं बन रही थी, तो सारी मेहनत मेरी बेकार गई थी। तो ये देखिए, यहाँ पर पानी को मैं दूसरी लगाऊँगी यहाँ पर, और दूसरी जाली को भी ऐसे ही क्लीन कर दूँगी ये अच्छे से। और आप सभी को ब्लॉग कैसे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो फ्रेंड्स। और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो बोलते होंगे ना कि रोज़ रोज़ क्लीनिंग दिखाते रहते हैं, लेकिन मैं रोज़ रोज़ क्लीनिंग नहीं दिखाती हूँ, मैं कभी कभी क्लीनिंग दिखाती हूँ जब मुझे रिक्वेस्ट आती है ना, जब कोई मुझे स्पेशल बोलता है कि मैम आप अपने हमारे साथ अपना ये रूटीन शेयर कीजिए, अपना जो क्लीनिंग ब्लॉग है वो शेयर कीजिए। और मुझे तो क्लीनिंग करना बहुत ही पसंद है, और मैं
अपने घर को और अपनी किचन को सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ को यही होता है कि अपने घर में जितनी क्लीनिंग हम कर लें उतनी ही कम है। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आए ना, तो हमको ये सुनने को ना मिले कि उनके घर में क्लीनिंग नहीं थी, ऐसे हो रहा था वैसे हो रहा था। तो हम अपने घर को क्लीन करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पे ना मुझे एक आप सभी से बहुत ही थोड़ी बात भी करनी है, दिक्कत है कि लाइक नहीं मिलता है मेरी वीडियो को, पता नहीं क्यों मेरे कमेंट्स इतने ज़्यादा भर भर के आते हैं ना कमेंट्स। तो अगर कमेंट्स इतने भर भर के आते हैं तो लाइक भी तो उसके बराबर ही होने चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आता है कि लाइक क्यों करना भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया करिए, वीडियो को फुल वॉच करो, और वीडियो अच्छी लगती है तो और भी लाइक शेयर भी ज़रूर करो, और मुझे बताओ कि आपको मेरी वीडियो में क्या क्या देखना पसंद है। तो आप सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह हैं वो क्लीन हो चुके हैं, आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिल्फ को जो है यहाँ पे साफ़ कर रही थी, तो और इसको ना छोटा से वाइपर की मदद से मैंने इसको साफ़ कर रही हूँ, और ये वाइपर बहुत ही अच्छा है वाइपर। इससे ना मैं नीचे जो टाइल्स हैं उसको भी साफ़ करती हूँ। जे मैं वाइपर 3-4 वाइपर लिए थे मैंने कंटीन से लेकर आई थी मैं, बहुत ही अच्छे ये वाइपर हैं, और टाइम भी काफ़ी हो गया इसको लिए हुए मुझे, और 6-7 महीने में कम से कम हो गए होंगे इसको। तो ये वाइपर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे से पानी भी निकलता है इससे। तो यहाँ पे मैं दूसरी साइड में आ गई हूँ, और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं ना जो आपको मटका दिखाई दे रहा होगा जी, ये और ये ना इसमें ना पानी डाल के रखते हैं हम, जब हमारे ना यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है ना, लाइट की वजह से जब लाइट नहीं आती है तो पानी जो है बड़ी टंकी वाला आता है, तो पानी नहीं आता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बड़ा जो बोर होता है ना, जिसको ट्यूबवेल बोलते हैं बड़ा वाला, वो नहीं लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, इशू वगैरह हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे ना मैं इसको ना पानी की मदद से अब इसको टाइल को साफ़ कर रही हूँ, और आरओ तो लगा हुआ है लेकिन आरओ में तो उतना पानी नहीं आता है ना जितना पानी हमें चाहिए, क्योंकि मुझे ना सब्ज़ी वगैरह में पानी डालना होता है, तो इसी से मैं ले लेती हूँ, जो हमारे ताज़ा पानी आता है उसी से हमने ये पानी भर कर रखा हुआ है यहाँ पे। और साइड पे यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूसरी साइड में, और यहाँ पे मैंने इस यहाँ पे हमने कांच के बर्तन रखे हुए हैं, जैसे कि चाय वगैरह पीने वाले और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने वाले ये बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको मैंने ना यहाँ पे निकाल के बाहर रख दिया था, और यहाँ पे जगह नहीं थी इतनी रखने के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने जो है पेपर वो निकाल लिया है, और यहाँ पर मैं इस यहाँ पे जो सिल्फ है इस पे भी पानी डालूँगी, अच्छे से साफ़ करूँगी इसको। और ये देखिए मैंने पूरी सिल्फ पे पानी डाल दिया है, और बहुत ही अच्छा भी लगता है, जैसे कि हम क्लीनिंग करते हैं ना तो साफ़ सुथरा अच्छा भी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैं टाइल्स को भी यहाँ पे साबुन की मदद से और स्टील वूल की मदद से यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, ये भी बता देना आप फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अभी साबुन लगा रही हूँ, अच्छे से इसको साफ़ करूँगी पूरी अच्छी तरह से। तो आप सभी वीडियो को इंजॉय करिए, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को मेरी आवाज़ सुन के बोर भी हो रहे होंगे आप सभी, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर।
सिल्फ है हमारी जिसको मैंने अभी अभी क्लीन किया था, उसके नीचे की तरफ भी मैंने अच्छे से क्लीन किया था, साफ़ किया था उसको पानी डाल के, तो वो मैंने थोड़ा सा शूट लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो सिलेंडर हम यहाँ पे रखते हैं ना सिलेंडर, तो वहीं से भी मैं उसको साफ़ करी थी अच्छे से वाइपर की मदद से। बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है यहाँ, नीचे भी टाइल्स वगैरह बहुत गंदी हो जाती हैं। और यहाँ पर अब मैं गैस को क्लीन करूँगी, और गैस को भी मैं स्टील बोर्ड की मदद से ही क्लीन करूँगी। चाय वगैरह उबल जाती है ना, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चिपक जाता है, जैसे कि हम चाय बनाते हैं, दूध हमेशा उबलता ही है, जितना मर्ज़ी आप उसके पास खड़े रहोगे ना तब भी वो उबल जाएगा, वो निकलेगा ही बाहर। और यहाँ पे देखिए मैं इसको साफ़ कर दूँगी अब कपड़े की मदद से, और जो ये स्टैंड है इसको मैं धो दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ, यहाँ पे बर्तन जो है मुझे वॉश करने हैं, और जो ये छोटी सिल्फ है यहाँ पे इसके भी सामान रखा हुआ है, इसको भी मैं साफ़ करूँगी अच्छे से क्लीन करूँगी। अब मैं सामान उतार रही थी उस वहाँ से भी, और यहाँ पे देखिए मैं इसको भी मैंने धो दिया है अच्छे से। और यहाँ पे नीचे की तरफ भी है जो टाइल्स, उसके भी मैंने पानी अच्छे से वो साफ़ कर दिया, उसको निकाल के यहाँ बाहर की तरफ मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ मैं, थोड़े से बर्तन हो गए थे मेरे से धोते धोते ही ऐसे, तो इसको बर्तन को भी मैंने वॉश कर लूँगी और अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। और आपको कैसा लगा ब्लॉग बताना फ्रेंड्स, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको क्लीनिंग कैसी लगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने सब क्लीन कर दिया है, और मैं आपको मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। आप ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग में क्या देखना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक आपको बोलते हैं बाय, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय।